हेलो दोस्तों, अराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर अपने 29 मॉडल पेपर है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। आज अपना 30 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और 40 में से दोस्तों 40 आपके प्रश्न है वो सही होने चाहिए। पशुपालन से संबंधित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों, अगर आपने पिछले 29 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और अराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 30 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल का जो रंग है वो तांबे जैसा होता है, यानी कि कॉपर के समान होता है। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका रंग तांबे के जैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भदावरी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं कि इस नस्ल का जो शरीर है वो नाव के आकार के समान होता है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा भदावरी नस्ल। आगे देखिए, 2nd नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नहीं है? अब ये द्विप्रयोजनीय क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इस नस्ल के अंदर मध्यम मात्रा में दूध और इसका जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य और भार ढोने में अच्छे होते हैं, वो होती है दोस्तों द्विप्रयोजनीय नस्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागौरी। ये मध्यम मात्रा में दूध देते हैं, ठीक है, नागौरी नस्ल की गाय, और इसके जो बैल है वो कृषि कार्य में अच्छे होते हैं। तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वीर्य एकत्रीकरण की प्रमुख विधि नहीं है? बताइए कौन सी एक वीर्य एकत्रीकरण की प्रमुख विधि नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है रेक्टोवजाइनल मेथड। रेक्टोवजाइनल मेथड ये वीर्य एकत्रीकरण की प्रमुख विधि नहीं है। बाकी दोस्तों कृत्रिम योनि विधि, इलेक्ट्रो इजाकुलेशन विधि, मसाज मेथड, ये तीनों दोस्तों वीर्य एकत्रीकरण की प्रमुख विधि है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया है रेक्टोवेजाइनल मेथड, ये क्या है? तो ये गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की ये विधि है, कृत्रिम गर्भाधान की विधि है, ठीक है, वीर्य एकत्रीकरण की नहीं है। और राजस्थान का प्रथम वीर्य बैंक है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बस्सी में है, बस्सी जयपुर में, ठीक है। और दूसरा जो बैंक है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पशु है दूसरी तरफ गर्भकाल है। दोस्तों देखिए, गाय का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो वो होता है दोस्तों 283 दिन का, ठीक है। भेड़ का होता है दोस्तों 145 दिन का, घोड़ी का होता है दोस्तों 341 दिन का, और ऊंटनी का होता है 390 दिन का। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है ए डी सी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए डी सी बी 3 नंबर का ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मुर्गियों में बधियाकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? मुर्गियों में बधियाकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, मुर्गियों में बधियाकरण है ये रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सबसे कम होता है? बताइए दोस्तों, किसका दूध श्रवण काल है वो दोस्तों सबसे कम होता है? तो दोस्तों वो होता है मादा सुअर का, ठीक है। मादा सुअर का जो दुग्ध श्रवण काल है वो दोस्तों 21 से 26 दिन तक ही होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और भेड़ का जो श्रवण काल है वो दोस्तों 80 से 100 दिन होता है, ये भी याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दुग्ध श्रवण की क्रियात्मक इकाई है, दुग्ध श्रावण की क्रियात्मक इकाई है, तो वो दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें एल्यूवलाई। कौन सी है? एल्यूवलाई। तो यहाँ पर अपना इसमें
एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये दुग्ध श्रवण की क्रियात्मक इकाई है एल्यूलाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, वेटल का संबंध किससे है, वेटल का जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटल है, ये दोस्तों बकरी से इसका संबंध है। तो दोस्तों वेटल बकरी के गर्दन के नीचे लटकती दो अंगुली नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे होबल विधि का प्रयोग किस पशु को गिराने में किया जाता है। दोस्तों होबल विधि का प्रयोग है वो किस पशु को गिराने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घोड़े को गिराने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए, इसमें 4 होबल होते हैं, एक 8 से 10 फीट लंबी चैन होती है, ठीक है, और जिसके एक सिरे पर 10 से 15 फीट लंबी कपास की रस्सी बंधी होती है। ठीक है, होबल लगाने के लिए घोड़े के एक अगले पैर को उठाकर रखते हैं ताकि घोड़ा लात न मारे। ठीक है, तो ये होबल विधि है, ठीक है, घोड़े से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में मुर्गी की नस्ल दे रखी है और सूची सेकंड में मूल स्थान दे रखा है। दोस्तों ये असील मुर्गी की नस्ल है, इसका जो मूल स्थान है वो दोस्तों कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। असील मुर्गी है, इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश है। मेवाड़ी नस्ल की जो मुर्गी है इसका मूल स्थान उदयपुर है। अलंकेश्वर मुर्गी है तो दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात है। और कालस्ती, दोस्तों कालस्ती मुर्गी का जो मूल स्थान है वो आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि के अंतर्गत है अपशिष्टों को भूमि में ही गाड़ दिया जाता है। बताइए अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि के अंतर्गत अपशिष्टों को भूमि में ही गाड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें भूमि भराव, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की भूमि भराव विधि के अंतर्गत है अपशिष्टों को भूमि में गाड़ दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भस्मीकरण पद्धति किस देश में ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों भस्मीकरण पद्धति है ये, इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का दहन कर उसे ताप, गैस और राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो दोस्तों जापान में सर्वाधिक किया जाता है, जापान में ज्यादा प्रचलित है ये। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीरा किसकी श्रेणी में आता है, सीरा किसकी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये सीरा है ये दोस्तों प्रोटीन युक्त दाना की श्रेणी में आता है, ये प्रोटीन युक्त दाना की श्रेणी में। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस घास का चारा ज्वार से मिलता जुलता है। बताइए किस घास का चारा ज्वार से मिलता जुलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। देखिए यहां पर सुडान घास है, सुडान घास का जो चारा है वो दोस्तों ज्वार से मिलता जुलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता एक स्वस्थ पशु की नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता एक स्वस्थ पशु की नहीं है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामान्य श्वसन, सामान्य तापमान, आंखें चमकदार व सचेत। तो दोस्तों ये तीनों क्या है, ये एक स्वस्थ पशु की विशेषता है, लेकिन यहाँ पे जुगाली नहीं करना, जुगाली नहीं करना ये दोस्तों एक स्वस्थ पशु की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में नाड़ी दर कम होने की अवस्था क्या कहलाती है। पशुओं में नाड़ी दर कम होने की अवस्था है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। और पशुओं में नाड़ी दर बढ़ने की जो अवस्था है उसको बोलते हैं दोस्तों टाकीकार्डिया, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए, कम होने की अवस्था को बड़ी कार्डिया कहते हैं और बढ़ने की अवस्था को दोस्तों टाकी कार्डिया बोलते हैं। यहां पर अपना इसमें कम होने का पूछा है तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक है, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक है वो मक्खियां है। क्या है? मक्खियां। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मक्खियां। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस रोग में पशुओं की सलेस्मा झिल्लियां लाल हो जाती है? बताइए दोस्तों, किस रोग में पशुओं की सलेस्मा झिल्ली लाल हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए, ट्रिपनोसोमिसिया। देखिए, ट्रिपनोसोमियोसिस, ठीक है, ट्रिपनोसोमियोसिस, इस रोग में पशुओं की जो सलेस्मा झिल्ली है वो लाल हो जाती है। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और ये दोस्तों, ये रोग है, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है दोस्तों, ठीक है, सीसी मक्खी के काटने से होता है ये। यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी के लिए प्रयुक्त टीका है, तो वो टीका कौन सा है? मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी के लिए प्रयुक्त टीका है तो वो टीका का नाम है दोस्तों लासोटा। क्या नाम है? लासोटा, या दोस्तों एफ स्ट्रेल भी बोल सकते हैं, एफ स्ट्रेल, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लासोटा बोलते हैं उसको, प्रयुक्त टीका को। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए अमोनिया घोल का छिड़काव किया जाता है? बताइए, निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए अमोनिया घोल का छिड़काव किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें पेचिस, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेचिस की रोकथाम के लिए पशुग्रह या अन्य जगह पर अमोनिया के घोल का छिड़काव है वो किया जाता है, ठीक है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर प्रश्न है, भेड़ बकरियों को परजीवी नाशक तथा कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है वो क्या है? तो दोस्तों ये उपयुक्त समय है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें सर्दियों का प्रारंभ। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर माह में, ठीक है, अक्टूबर माह में सर्दियों का प्रारंभ काल माना जाता है। यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरियों में खुरपका मुहपका का टीका किस माह में लगाया जाता है? खुरपका महापका का जो टीका है वो कौन से माह में लगाया जाता है? तो दोस्तों ये जून माह में लगाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जून माह में ये लगाया जाता है। और ये जो पहली बार टीका है ये 6 माह की उम्र में लगाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे मांस उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो दोस्तों मांस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 8वां स्थान है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता निर्भर करती है, प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता निर्भर करती है तो दोस्तों कि ये किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जीवन काल, आहार, पोषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उक्त सभी। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शियरिंग के समय भेड़ को लगने वाले घाव का उपचार किया जाता है, शियरिंग के समय भेड़ को लगने वाले घाव का उपचार किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है आयोडीन से, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, शियरिंग मतलब समझ गए होंगे आप कि दोस्तों भेड़ों के जो बाल कतरते हैं, ठीक है, यानी कि बाल कतरते समय भेड़ के शरीर पर कट लगने पर जो घाव का उपचार है वो आयोडीन या जेटियन वॉयलेट से किया जाता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का रंग होता है, वर्मी कंपोस्ट का रंग है वो कैसा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूरा रंग होता है वर्मी कंपोस्ट का, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, चमड़े को पतला व चिकना बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, चमड़े को पतला व चिकना बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टिंग, क्रिस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टिंग बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में डेंटल पेड होता है,
बताइए किस पशु में डेंटल पेड होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डेंटल पेड, मतलब दंतपुर। ठीक है दोस्तों, गाय में होता है, भेड़ में होता है, ऊंट में होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस जानवर में कील दांत नहीं पाए जाते हैं। बताइए किस किस जानवर में दोस्तों कील दांत नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बकरी में, बकरी में कील दांत है वो नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है याद रखना, ये जुगाली करने वाले जानवरों में दोस्तों नहीं पाए जाते, जैसे गाय भैंस बकरी, सॉरी गाय भैंस भेड़, ठीक है इनमें नहीं पाए जाते दोस्तों, ये बकरी में पाए जाते हैं। ठीक है तो यहाँ पर सॉरी देखिए क्या पूछा है, कील दांत नहीं पाए जाते, तो ये भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते दोस्तों, ये जुगाली करने वाले, बकरी भी जुगाली करती है। ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ब्रीडिंग पशु के किस अंग पर की जाती है। बताइए ब्रीडिंग पशु के किस अंग पर की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर, ब्रीडिंग मतलब दागना यानी कि पशुओं को चिन्हित करना। ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें वो है दोस्तों, ब्रीडिंग पशु के किस अंग पर की जाती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये की जाती है दोस्तों जांग पर, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है जांग पर, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पशु खरीदते समय किस बात को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, तो किस बात को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, तो दोस्तों देखिए अयन ज्यादा छोटे व लटके हुए ना हो, पशु तिकोने आकार का हो, पशु उग्र स्वभाव का हो, ठीक है पशु की आयु का सही ज्ञान हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को पशु उग्र स्वभाव का हो इस बात को दोस्तों प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं देनी चाहिए, तो दोस्तों पशु उग्र स्वभाव का हो इस बात को दोस्तों प्राथमिकता है वो नहीं देनी चाहिए, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 20वीं पशु गणना में राज्य में किस पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में किस पशु में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो दोस्तों भैंस में। ठीक है भैंस में कितनी, तो दोस्तों 5.53% की वृद्धि है वो दर्ज की गई, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक भैंसे किस जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक भैंसे हैं वो दोस्तों जयपुर जिले में पाई जाती है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुशाला में पशुओं की खुराक में अनाज की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, पशुशाला में पशुओं की खुराक में अनाज की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1/3, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1/3। 35 नंबर का प्रश्न है, पशु अपशिष्ट को गौशाला से कितनी दूरी पर एकत्रित किया जाना चाहिए, पशुशाला को दोस्तों यानी कि पशु अपशिष्ट को गौशाला से कितनी दूरी पर एकत्रण किया जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 100 मीटर की दूरी पर किसी गड्ढे में एकत्रित करना चाहिए, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया वह दूध जिसे संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो कहलाता है, स्वस्थ पशु में प्राप्त किया गया वह दूध जिसे संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो कहलाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए वो क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो कहलाता है दोस्तों कौन सा दूध, तो उसको पूरित दूध बोलते हैं दोस्तों। ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सॉरी संपूर्ण दूध, संपूर्ण दूध, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण दूध। ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में गोवंश
गोवंश के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंडो डेनिश प्रोजेक्ट में भारतीय गाय का संकरण किस नस्ल के साथ करवाया जाता है? बताइए दोस्तों, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट में भारतीय गाय का संकरण किस नस्ल के साथ करवाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रेड डेन। यहां पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेड डेन के साथ। आगे देखिए, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रीडर पेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों इसको पशु माता उन्मूलन योजना के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत थारपारकर वंशावली चयन परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई कब, तो ये जनवरी 2020 में प्रारंभ की गई ये योजना, ठीक है, और ये योजना पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट संरक्षण यानी कि ऊंट संरक्षण योजना में पात्र लाभार्थी को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है 10,000 रुपए। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।